गुड इवनिंग एवरीवन नमस्ते मैं सोना शर्मा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आई होप आप सभी की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी को के अंदर ये विश्वास आ गया होगा कि हाँ इस फाउंडेशन के थ्रू आप अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को आज हम करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स की सीरीज में सबसे पहला चैप्टर अपना शुरू ठीक है तो आज हम करेंगे इन इक्वालिटी असमानताओं का सबसे पहला पार्ट हाय गौरव असलम अनिकेत श्रेया सभी आ चुके हैं नमस्ते एवरीवन चलिए स्टार्ट करते हैं सो so, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और अगर ट्वेंटी फोर सेवन की आप, अगर आपके फोन में नहीं है तो इसे भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा ओके नेक्स्ट ठीक है तो आ, हम इन इक्वालिटीज पे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो के लिंक को इस सेशन uh, के लिंक को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और फिर हम बढ़ते हैं हमारे दमदार और शानदार से सेशन की ओर ओके सो चलिए फिर तो आज हम करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से इन इस बेसिक के थ्रू आप टफ से टफ क्वेश्चन भी कर जाएंगे मतलब हम इस इन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे और उसके बाद हम आपको कराएंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन बेसिक से हाई तक के हर एक क्वेश्चन इसमें मैं कवर करने वाली हूं चाहे वो आपका प्री हो प्री लेवल तो पूरा करेंगे ही करेंगे साथ ही साथ मैं आपको मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर दूंगी ठीक है चलिए So, पहले हम बात करते हैं कि भाई इनक्वालिटीज होता क्या है तो इनक्वालिटीज एक्चुअली क्या होता है दो चीजों में कंपैरिजन किया जाता है ठीक है अगर हमें हाइट के बारे में अगर पूछना है तो हम बोलते हैं कि अरे इसकी हाइट बड़ी कि उसकी हाइट बड़ी ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं अगर कोई पेन लेने के लिए हम दुकान पे जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई ये पेन ज़्यादा का है या ये पेन ज़्यादा का है ठीक है हर चीज़ में हम हर चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं तो इनक्वालिटीज़ इज़ ऑल अबाउट कंपेरिजन वो कंपेरिजन की बात होती है सारी अब बचपन से लेकर अभी तक हमने इन इक्वालिटीज़ को कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा ही है ठीक है मतलब कुछ ऐसे सिंबॉल्स होते हैं जो हमारे दिमाग में छपे हुए हैं जैसे कि ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन और इक्वल टू स्मॉलर दैन और इक्वल टू ठीक है ये सब कर रखे हैं और यहाँ पे वो ही चीज़ मैंने यहाँ पे कुछ आपको बताई है तो यहाँ पे है x बड़ा है y से तो इसे हम x इज ग्रेटर देन y हम सभी जानते हैं ये तो एक बार बेसिक हल्का सा देख लेते हैं तो दूसरा साइन होता है x छोटा है y से ठीक एक होता है x बराबर है y के और एक होता है x या तो छोटा या बराबर y के जो यहां पे दे रखा है और ये है आपका x या तो बड़ा होगा या बराबर होगा मतलब यहां से आएंगे आपके दो साइन या तो बड़ा या बराबर और यहां से आएंगे आपके दो साइन या तो छोटा या बराबर ठीक है मतलब ये होगा आइदर और के केसेस अब मैंने इन सभी को एक नामकरण कर दिया है ठीक है इन सभी का एक नाम हमने रख दिया है उन नाम की बात करते हैं तो यहां पे अब से हम इन्हें कैसे जानेंगे वो देखिएगा इनक्वालिटी और कंपेरिजन ये जो साइन है ग्रेटर देन का इसे हम बोलेंगे ये है प्रधानमंत्री ये जो स्मॉलर देन का साइन है इसे भी हम बोलेंगे प्रधानमंत्री मतलब पीएम इनका नाम हमने कर दिया ठीक इनको पीएम क्यों बोला जा रहा है अभी वो भी बताएंगे उसके बाद दो साइन और आते हैं जैसे यहां पे छोटा और बराबर स्मॉलर देन और इक्वल टू और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू बड़ा और बराबर तो यहाँ पे इन दोनों साइन को हमने एक और नाम दे दिया है जो है हमारा चीफ मिनिस्टर ठीक और फिर लास्ट में बचा ये एक साइन इसे हमने नाम दे दिया है पब्लिक ठीक अब देखिए एक बात याद रखनी है हमेशा इसको पीएम मतलब कि बड़े और छोटे साइन को जो अकेले हैं साइन उन्हें पीएम जिन लोगों ने एक डंडे की जरूरत पड़ गई जिन साइंस को या फिर स्टिक की जरूरत पड़ गई उन्हें सीएम चीफ मिनिस्टर और ये जो है बराबर का साइन इसे पब्लिक क्यों कहा गया है क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल साइन ये दोनों होते हैं उसके बाद ये दोनों होते हैं और फिर ये होते हैं मतलब अगर आपके घर के बाहर लाइन में आपको अगर ये उसके बाद पीएम के बाद सीएम और फिर पब्लिक ये पीएम सीएम और पब्लिक मिल जाएगी तो घर में किसे एंट्री देंगे पीएम को देंगे मतलब मोस्ट पावरफुल साइन है आपका पीएम फिर आता है आपका अब अगर मैं आपको आपके घर के बाहर सीएम खड़ा कर खड़े कर दूं और यहां पे पब्लिक आ जाए तो इन दोनों में किसे चूज करेंगे आप बोलेंगे मैम सीएम को चूज करेंगे ये ज्यादा पावरफुल है ठीक है तो किसे करेंगे आप यहां पे सीएम को चूज करेंगे ठीक है और ये पब्लिक ऐसी है जिसे हमेशा इग्नोर किया गया है और जिसे हम कभी भी कंसिडर नहीं करते प्रोवाइडेड एक शर्त होगी बस एक बार करते हैं जब आपके घर के बाहर बस पब्लिक पब्लिक आके खड़ी हो जाए मतलब ये सब समझाने का क्या था आपको ये बताना है कि अगर लाइन में तीन लोग मिलते हैं पीएम सीएम और पब्लिक तो हमेशा पीएम को एंट्री देंगे अगर आपको सीएम और पब्लिक मिलती है तो चीफ मिनिस्टर को देंगे और लाइन में बस पब्लिक मिलती है तो पब्लिक को देनी पड़ेगी मजबूरन है ना हम्म हाँ रोहित कह रहे हैं पीएम सीएम एंड लास्ट में पब्लिक यस नॉट इक्वल टू चलिए फिर आगे चलते हैं ये तो हमने नामकरण कर लिया अब इन्हें इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा यूज कैसे होगा वो देखते हैं ठीक है चलिए यूज देखते हैं एक बात बस हमेशा याद रखनी है यहां पे सबसे ज्यादा पावरफुल जो साइन होगा वो ये दोनों होंगे

ठीक तो यहाँ पे पी यहां है और बी यहाँ है पी से बी तक गए पी बड़ा है बी से पी बड़ा है B, B, B से यहां पे ठीक है ये हो गया सही नीचे नीचे आइए है B से तक जाना है अब B से तक गए तो सबसे पहला स्टेप होता है कहां से कहां तक तो पहले हम बी से ई तक गए तो पहला स्टेप आपका होगा फ्रॉम वेयर टू वेयर सेकेंड सेकेंड आपका स्टेप होता है कि क्या लाइन में सभी साइन एक ही दिशा में देख रहे हैं या एक कॉमन साइन है सबके बीच तो जब हम बी से ई तक गए तो ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है मतलब सभी साइन एक ही दिशा में देख रहे हैं मतलब रिलेशन बन जाएगा तो सेकेंड जो काम होता है हमारा देखने का होता है कि रिलेशन बनेगा कि नहीं तो यहाँ पर रिलेशन बन गया, बन गया ठीक है तो रिलेशन देखेंगे अब थर्ड जो काम होता है हमारा वो होता है कि भाई पावरफुल साइन कौन सा है लाइन में तो जब हम बी से ई तक गए तो हमने पावरफुल साइन देखने की कोशिश की जब यहां ये यह क्या है सी एम ये है आपके पी एम ये है पी एम और ये है पब्लिक किसे चूज करेंगे ठीक है किसे चूज करेंगे आप बोलेंगे मैम पीएम को करेंगे पीएम को एंट्री दीजिए तो क्या हो जाएगा बी लिखा पीएम लिखे और फिर ई e लिख दिया क्या यही दे रखा है नहीं इन्होंने CM दिया है उसी टाइम हो गया ये गलत ठीक है तो पहला वाला ओनली वन सही हो जाएगा ठीक है थर्ड स्टेप मतलब क्या था प्रेफरेंस देखनी है कौन से साइन को आप प्रेफर करेंगे तो वी हैव हाँ टू सी कि प्रेफर किसे करा जाएगा जी हम आई धीरे धीरे स्टेप वाइज हम बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे हम 500 बार पार कर चुके हैं थैंक यू एवरी वन फॉर शेयरिंग द सेशन सेशन को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसको इस, आ, आ, इस संख्या को और बढ़ाना है हमें और आज हमें हमें भी आगे तक जाना है ठीक है तो थाउजेंड का हमें लक्ष्य प्राप्त करना है चलिए फिर नेक्स्ट अब ये दूसरा क्वेश्चन है अब लाइन में हमने देखा हमारा, हमने तीन में की क्या क्या सबसे पहले हमने देखा कि हमने देखा, अच्छा, ये ये रिलेशन बनेगा नहीं तो हमने बोला अच्छा सब एक ही दिशा में देख रहे हैं क्या तो हा देख रहे थे तो रिलेशन बन गया तीसरा हमारा था कि कौन सा साइन प्रेफर करेंगे अब ये देखिए क्या होगा अगर समझिए जाते समय रिश्ता बना ही नहीं मतलब देखते हैं कैसे पी से एल तक जाना है पी यहाँ बेटा और एल यहाँ पहला स्टेप हो गया ठीक है पहला स्टेप हो गया कहाँ से कहाँ है पी से एल तक दूसरा स्टेप होगा कि भाई लाइन में क्या सभी साइन एक ही दिशा में देख रहे हैं या फिर क्या एक कॉमन साइन पूरी लाइन में है तो देखिए पी से एल तक जाते समय ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है और ये इधर देख रहा है ठीक है एक सेकेंड हम एक क्वेश्चन uh, स्किप कर गए इस क्वेश्चन को करते हैं पहले ठीक है आगे आइए एल से ई तक जाना है एल इधर है और ई e इधर है ठीक है अब एल से ई तक जाते समय ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है या फिर बोल बोल सकते हैं कि कॉमन साइन चल रहा है जब यहाँ पे आए तो हमने क्या देखा साइन ने मारी पलटी मतलब जैसे ही इस साइन ने पलटी मारी मतलब कुछ ऐसे मिला आपको या फिर आपको कुछ ऐसे मिला तभी उसी टाइम ये हो जाता है नो रिलेशन और हम इसे क्या बोलते हैं कि दोस्त ने मारी पलटी हमने तोड़ा रिश्ता तो जैसे ही इसने पलटी मारी जैसे ही ये टर्न कर गया तो वो बन गया No relation. और no relation बनने के बाद हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे ही नहीं ठीक तो यहां पे क्या हो गया हम बोलेंगे अरे नो no रिलेशन है इसे काट दो अब क्या है बी से के तक जाना है बी यहाँ है के यहां है ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है और ये बराबर का साइन है ठीक ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है सभी साइन एक ही दिशा में देख रहे हैं दूसरी चीज सबसे पावरफुल साइन कौन सा है तो आप बोलेंगे कि पावरफुल साइन तो भाई ये ही है जो अकेला है मतलब प्रधानमंत्री तो देखिए लाइन में कौन पीएम पीएम, और ये कौन है हमारे पब्लिक किसे चूज, चूज करेंगे तो आप बोलेंगे पीएम को चूज करेंगे क्या आना चाहिए बी लिखा पीएम आए और के आ गया यहां पे क्या दे रखा है कि बी बड़ा है कैसे यहां पे क्या दे रखा है बी छोटा है कैसे तो ये क्या हो गया गलत हो गया ठीक है तो ये हो गया हमारा गलत समझ में आया तो ये हमारा हो जाएगा ना ही पहला ना ही दूसरा सही है नेक्स्ट पे चलते हैं हम्म तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है कि हमें तीन स्टेप में क्वेश्चन को करना है अब जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा आइदर और केस का ठीक है चलिए क्या है स्टार्ट करते हैं P से L तक जाना है अच्छा P यहां L यहां पहला स्टेप कहां से कहां तक चलेगा दूसरा स्टेप क्या सभी लाइन में एक ही दिशा में देख रहे हैं सारे साइन तो देखिए ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है ये इधर और ये इधर सब एक ही दिशा में देख रहे हैं रिलेशन बन जाएगा तीसरा हमारा क्या होता है कि भाई पावरफुल साइन कौन सा तो हम बोलेंगे देखिए ना लाइन में सब कौन है सीएम है जब सभी सीएम आके खड़े हो जाएंगे तो किसे एंट्री देंगे सीएम को तो क्या हो जाएगा आपका पी और सीएम क्या है बड़ा या बराबर एल के ठीक यहां पे क्या दे रखा है P बड़ा L मतलब कि PM दे रखे हैं तो ये हो गया गलत यहाँ पे P बराबर L हमारा क्या आया है जी ये आया है ना तो ये भी हो जाएगा गलत ठीक है अब ये दोनों हो गए गलत अब हम जा रहे होंगे धीरे 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 नाइदर फर्स्ट नॉर ना सेकेंड की ओर तभी रुकेंगे और बोलेंगे अरे यहाँ पे तो कोई और चीज आ रही है क्या तो हमने जैसे ही देखा कि ये दोनों ही साइन अपने अपने में ये दोनों ही कंक्लूजन निष्कर्ष अपने अपने में गलत है इन दोनों के ही वेरिएबल सेम है पी यहाँ भी पी यहाँ भी एल यहाँ भी एल यहाँ भी उसके बाद हमारा दिमाग चलेगा अच्छा या आइधर और का केस हो सकता है और आईधर और का केस तीसरी चीज क्या मांगता है कि हमारे कंक्लूजन के दोनों ही साइन वहाँ उपस्थित होने चाहिए तो हमारा कंक्लूजन बोल रहा था पी या तो बड़ा एल से या फिर बराबर एल के यहाँ पे ये क्या बोल रहा है एक बार पी बड़ा आ रहा है एल से एक बार पी बराबर आ रहा है एल के इट मीन्स वॉट इसका मतलब ये हुआ कि ये बन गया हमारा आईधर पहला और दूसरा सही है बहुत गौर से सोचना अगर मैंने ऐसा बोला यहां से हम किसी का नाम ले लेते हैं तो यहाँ पे है हमारे हर्षवर्धन है और है हमारे एक तो नाम ऐसे अलग अलग रख रखे हैं आपने अभिषेक है हर्षवर्धन और अभिषेक को ले लेते हैं अब हर्षवर्धन ने कहा कि भाई अभिषेक की हाइट या तो बड़ी है या बराबर है मतलब उसने एक हिंट दे दी या तो बड़ी होगी या बराबर होगी हम्म यह है उसका कंक्लूजन अब कोई हमें कोई एक आदमी आएगा वो बोलेगा अच्छा इसकी हाइट बड़ी है ठीक है भाई हो सकता है दूसरा आएगा वो बोलेगा इसकी हाइट बराबर है तो वो भी सही है तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन होके क्या हो गया या तो ये होगा या तो ये होगा दोनों बात है तो सही दोनों में से कोई एक सही होगी अगर समझ लीजिए आपको किसी की हाइट के बारे में पता ही नहीं है कोई अजनबी किसी और का मैं नाम ले लूँ फॉर एग्जांपल मैंने अभी तक किसी को देखा ही नहीं है तो मैंने यहाँ पे ले लिया अंकिता को मैंने अंकिता को देखा नहीं है बट हाँ यहाँ पे नाम देखा है अब मैं बोलूँगी अच्छा अंकिता की हाइट आप बोलोगे मैम निष्कर्ष निकालिए ना प्लीज़ अंकिता की हाइट बताइए तो मैं बोलूँगी अच्छा मैं जानती भी नहीं हूँ रिलेशन तो है ही नहीं कुछ तो मैं कैसे हाइट बताऊँ चलो मैं बोलूंगी पर होगी तो तीन चीज क्या या तो अंकिता की हाइट बड़ी होगी या तो छोटी होगी या बराबर होगी किसके मेरी हाइट के ठीक है अगर मैं अपने से रिलेट करूं कंपेयर करूं तो मैं बोलूंगी या तो उसकी हाइट बड़ी होगी या तो छोटी होगी मेरे से या मेरे बराबर होगी बस ये तीन ही चीज होगी वही चीज अब हम सीखने वाले हैं यहां पे इधर आइए हम्म तो यहां पे क्या होगा अब हम फिर से कहां से कहां तक जाना है P से एल तक जाना है तो पी से एल तक गए दूसरी चीज दूसरा स्टेप हमारा क्या क्या होता है कि और तक जाते समय क्या सभी साइन एक, में देख रहे हैं? या फिर एक ही डायरेक्शन मतलब ये हो गया आपका नो रिलेशन का केस। मतलब इसका होता है सिंपली जो मतलब होता है कि पी और एल के बीच में हम कोई भी कंपेरिजन अभी नहीं बता सकते आगे exactly. चलिए अब P से L तक जाते हैं, तो हमें नो no रिलेशन मिल गया अब नो no रिलेशन मिला तो हम क्या बोलेंगे अच्छा जब नो no रिलेशन है मतलब पता ही नहीं है पी और एल के बीच में क्या कंपैरिजन है मतलब कि कौन बड़ा कौन छोटा कौन बराबर तो हम बोलेंगे भाई पी बड़ा है एल से बोलेंगे हमें नहीं पता काटिए इसे पी छोटा और बराबर है एल के हम बोलेंगे हमें नहीं पता काट दीजिए पर फिर हमारी निगाह फिर से उसी पॉइंट पे जाएगी हम बोलेंगे यार ये दोनों निष्कर्ष अपने में गलत है दोनों के ही ये जो एलिमेंट्स हैं ये जो वेरिएबल हैं ये सेम है पी पी एल एल ठीक है तीसरी चीज क्या चाहिए होती है जब हमें नो no रिलेशन का केस मिलता है तो तीसरी चीज इस नो no रिलेशन के लिए क्या चाहिए होती है यहां पर तीनों ही साइन उपस्थित होने चाहिए मतलब बड़ा साइन छोटा साइन और बराबर का साइन ये तीनों ही साइन उपस्थित होने चाहिए और एक शर्त भी होती है कि ये बराबर का साइन या तो बड़े के साथ या तो छोटे के साथ होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे हो गया एक बार पी बड़ा है एल से बड़ा साइन मिल गया ठीक है जी छोटा है से छोटा भी मिल गया और बराबर का साइन भी छोटे के साथ आ गया मतलब ये क्या हो गया फिर ये आइदर और का केस हो गया तो ये हो गया आपका आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू समझ में आ रहा है तो दिल से लाइक करेंगे सेशन को और दूर तक शेयर करेंगे सेशन को सेशन को ओके okay? चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अब यह मैंने आइदर और सिंपली वे में एक बार यहां पे आपको दिखा देती हूं ठीक है थोड़ा आपको सिंपल लगेगा यहां पे देखिए पहले यहां पे देख लेते हैं चलिए टी तक जाना है M से तक गए ठीक एम से टी तक गए ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कॉमन साइन मिल रहा है तो कॉमन छोटा साइन छोटा साइन मिल रहा है लाइन में रिलेशन तो बन जाएगा तीसरा चीज क्या होती है भाई ये पावरफुल साइन कौन सा तो ये कौन है ये सीएम है ये कौन है ये भी सीएम है किसे एंटी दोगे सीएम को ही दोगे ठीक है तो लिखा M, सी एम सीएम और फिर टी यही दे रखा है क्या एम छोटा या बराबर टी नहीं दे रखा काटो ये दे रखा है क्या एम छोटा बराबर टी नहीं काटो अब तीसरा फिर से हम क्या बोलेंगे अच्छा दोनों के क्या दोनों ही निष्कर्ष अपने अपने में गलत दोनों के एलिमेंट सेम टी टी एम एम और हमारे कंक्लूजन के जो हमारा कंक्लूजन था उसके दोनों ही साइन मतलब कि बड़ा और बराबर टी बड़ा है और बराबर है दोनों ही साइन यहाँ पे उपस्थित होने चाहिए तो देखिए टी बड़ा है एम से मिल गया और टी बराबर है एम के ये भी मिल गया मतलब ये हो गया इधर और का केस और रिलेशनशिप यहाँ पे यहाँ पे पता चल रही थी ठीक है गॉट इट मैम आकांक्षा कह रही है ओके गुड वेरी गुड चलिए फिर इसमें आइए यहाँ पे अब मैंने नो रिलेशन का आपको बताया है तो ये है आपका नो रिलेशन का और एंड दिस ये जो केस है ये आपका है जब रिलेशन बन जाता है ठीक है मतलब हम किसी निष्कर्ष पे आ जाते हैं हम बता पाते हैं अच्छा इसकी हाइट क्या है मेरे से बड़ी है या बराबर है मतलब कुछ निष्कर्ष हम दे रहे हैं और फिर वो आगे की बात करेंगे इधर आइए एच से टी तक जाना है एच से टी तक गए ये इधर देख रहा है इसको तो हम इग्नोर करते हैं इसने मार दी पलटी जैसे ही पलटी मारी हम क्या बोलेंगे ये हो गया नो रिलेशन नो रिलेशन हो गया अब नो रिलेशन हुआ तो एच और टी के बीच में हम कभी भी कोई भी रिश्ता डिफाइन नहीं कर सकते तो ये गलत हो गया हम बोलेंगे हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हमें नहीं पता इनमें कोई रिश्ता नहीं आ रहा है अब क्या करेंगे दोनों के ही दोनों ही निष्कर्ष अपने अपने में गलत दोनों के ही वेरिएबल सेम हो गए एच एच टी टी तीसरी चीज तीसरी चीज क्या होती है कि भाई इसमें तीनों साइन जो यूनिवर्स में बस तीन होते हैं साइन बड़ा छोटा और बराबर बराबर तीनों होने चाहिए तो तो ध्यान से से देखेंगे जब हम तो हमें छोटा छोटा है टी से, है टी के और एक बार एच बड़ा है टी से तीनों ही साइन मिल गए हैं मतलब ये क्या हो गया आईधर और का केस हो गया तो ये नो रिलेशन में ये केस होता है आईदर और का और जब रिलेशन बन जाता है तो ये केस होता है आइधर का चलिए अब आगे चलते हैं और फिर प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ क्वेश्चन की तो नाउ इट्स अ टाइम टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चन ठीक है इसके बाद अभी हम एक स्टेटमेंट करेंगे फिर बढ़ाएंगे अपनी स्टेटमेंट और फिर आगे बढ़ाते रहेंगे ठीक है तो आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर हम्म एम से क्यू तक जाना है पहला एम से क्यू तक जाना है एम यहां क्यू यहां अब सभी साइन की दिशाएं देखेंगे ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है और इसमें क्या किया पलटी मार दी जैसे ये पलट गया हमें ऐसा साइन मिल गया तो हम बोलेंगे ये तो नो no रिलेशन है हम वी का Conclude, है ना आगे देखते हैं एन से आर तक जाना है तो एन यहाँ है आर यहां है एन से आर तक गए तो ये बड़ा है ये बड़ा है और इसने क्या किया पलटी मारी जैसे ही इसने पल्टी मारी हम बोलेंगे ये भी नो no रिलेशन है जी तो क्या हो जाएगा ये हम कंक्लूडन में मिल जाएगी ओके okay? चलिए फिर आते हैं कहाँ से कहाँ तक जाना है यहाँ पे हमें आंसर दिया है काफी लोगों ने पलक ने आयुषी ने अनुपम ने चलिए यू से बी तक जाना है यू यहाँ बी यहाँ ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है, है। इसने फिर पलटी मार दी जैसे ही दोस्तें मारी पलटी हम बोलेंगे ये है रिश्ता टूटा मतलब वी कैन कंक्लूड ठीक है सब बफरी कर जाते हैं जिसने बुलाया था हाँ ठीक ओके थैंक यू जैसे अंत तक जाना है

तो ऐसे ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो के लिंक को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए अपने टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप और इस uh, सेशन को दिल से लाइक कर दीजिए ठीक है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन <laughs> <laughs> Naruto भी यहाँ गौरव जी के भी है यहाँ और दिनेश अनुज ने आंसर दे दिया है ओके okay, तो देखिए अनुज का आंसर आ गया है, हम भी आ जाते हैं स्क्रीन पे ठीक है ये है अभी वन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, अब एक बात और लास्ट ईयर IBPS RRB क्लैरिकल की अगर बात करी जाए तो उसमें इनक्वालिटीज में आपको एक स्टेटमेंट पे ही इनक्वालिटी पूछी गई थी ओके okay, सो so, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे दूसरी चीज अगर पीओ का प्री होता है उसमें भी कई बार ऐसा हुआ है उसने एक ही स्टेटमेंट आपको दी है ठीक है तो इसलिए प्री एग्जाम में वो कुछ बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं कर देगा कि छह से ज्यादा स्टेटमेंट ले आए हाँ हम वर्स के लिए तैयार होंगे हम जरूर करेंगे चलिए सभी के आंसर आ गए हैं जल्दी से आते हैं स्क्रीन पे। पी से ई तक जाना है पी यहाँ है बेटा ई यहां, यहां है यहां पे पहुंचना है ये इधर देख रहा है और इसने फिर पलटी मारी दोस्तों मारी पलटी फिर हमने रिश्ता तोड़ा मतलब ये हो गया रॉन्ग अब क्यू से ओ तक जाना है तो है यहां वो है यहां क्यों तक गए अब हमने क्या देखा भाई जब लाइन में चल रहे हैं तो ये इधर देख रहा है ये भी इधर देख देख रहा है सब एक दिशा में देख रहे हैं रिलेशन तो बन जाएगा पावरफुल साइड कौन सा जो सबसे पावरफुल है मतलब कौन अरे ये पीएम है ये पब्लिक है और ये भी पीएम है तो पी को ही एंट्री देंगे घर में मतलब क्या हो जाएगा क्यू बड़ा ओ, ये ही दे रखा है ना तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही मतलब है ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू दूसरा कंक्लूजन ट्रू है एक बात और आज मैंने यहाँ पे इसमें इंग्लिश में ही रखा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें हिंदी कुछ नहीं होता ठीक है ये कथन है और ये निष्कर्ष है बस ये ही होता इसलिए ये अंडरस्टूड uh, होता है इसलिए आज हमने इसे इंग्लिश में ही रखा है और जो कोई भी जो पूरे सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको पूरी तरीके से यहाँ पे बायलिंग्वल मिलेंगे मतलब कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब आ गई है यहाँ पे वही स्टेटमेंट तो एक ही है लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन हम ले आए हैं चार और उसी के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शंस भी थोड़े अलग हैं इस बार ठीक तो चलिए आप चलते हैं धीरे धीरे स्टेप वाइज हम ऊपर ऊपर जाएंगे और एक एडवांस लेवल तक पहुँच जाएंगे ठीक है जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को और इस सेशन को शेयर भी करते जाएंगे और 700 पार करेंगे यहाँ पर ओके हाँ चलिए फिर आते हैं एक्चुअली मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख पा रहे हैं यहाँ पे चैट डिस्कनेक्ट आ रहा है रिकनेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर में ठीक है तो यहाँ पे मैं आप क्वेश्चन करा देती हूँ हाँ तो सबसे पहला है भाई टी से आर तक जाना है अब जल्दी जल्दी जाएंगे अब हमने बेसिक सीख लिया है अब जल्दी से चलते हैं टी से आर तक गए ये इधर देख रहा है ये भी इधर देख रहा है ऑल आर फेसिंग इन सेम डायरेक्शन रिलेशन बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा ये सी है और ये पी है किसे लेंगे पीएम को लेंगे, ठीक है तो ये आ जाएगा आपका टी लिखा ये आ गए आपके पीएम, और फिर आ गए आर मतलब टी बड़ा है आर से टी बड़ा है आर से ही दे रखा है ये हो गया एब्सोल्यूटली तो 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 करेक्ट वो है सर पार्ट वन लाइव नाउ दिखा रहा है अरे वो तो मैं करूंगा ना अरे यार ओके ठीक okay. है तो मुझे आपका एक्चुअली चैट नहीं दिख रहा है सो uh, so मैं किसी के आंसर्स नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पे बट स्टिल मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ओके okay. hmm. सही हो गया सर हाँ सही हो गया बट मैं बता रहा हूँ ओके okay. अपना यहाँ से आपको इंडस्ट्री में नहीं करना डायरेक्ट यहाँ से जाना बढ़िया स्टॉप कॉल कर देना ओके 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 ठीक है जी हम्म चलिए आइए टी से क्यू तक जाना है टी यहाँ पे है क्यू यहाँ पे है ठीक है इसे थोड़ा मैं हटा देती हूँ हम्म तो पहला वाला हो गया हमारा सही अब टी से क्यू तक जाना है टी से क्यू तक जाएंगे ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है इसने क्या किया फिर दोस्त ने पल्टी मारी और हम बोलेंगे ये तो रिश्ता टूट गया कैंसिल हो गया आर से पी तक जाना है अरे आर कहा है यहाँ पी है यहाँ ठीक ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है रिलेशन बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा भाई ये पी है और ये सी है पी को लोगे ना तो क्या आ जाएगा आर आ जाएंगे और फिर आ जाएगा पी मतलब कि पी बड़ा है आर से यही दे रखा है ना पी बड़ा है आर से ये हो जाएगा बिल्कुल सही और क्यू से पी तक जाना है अगेन क्यू से पी तक जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका वेट गाइज हम्म क्यू से पी तक पी तक जाएंगे तो ये क्यू से पी तक जाए ठीक क्या दिख रहा है यार यहाँ पे तो सी.एम. ही दिख रहे हैं तो वो ही आ जाएंगे मतलब क्या होगा कि क्यू छोटा है और बराबर है पी के तो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई पी.एम. दे रखे हैं मतलब ये हो गया गलत क्योंकि हमें सी.एम. चाहिए था कंक्लूजन में तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा पहला और तीसरा सही है मतलब कि ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू समझ में आई बात ऐसे ही आप कंक्लूजन्स का जो अमाउंट है मतलब कि जो नंबर ऑफ़ कंक्लूजन्स है वो बढ़ते जाएंगे ओके चलिए नेक्स्ट में आते हैं ये है आपका दूसरा क्वेश्चन आई थिंक ये रिपीट तो नहीं नहीं रिपीट नहीं हुआ है जल्दी से करेंगे जल्दी से करेंगे इतनी प्रैक्टिस यहाँ पे हम कर लेंगे कि हमें अलग से कुछ प्रैक्टिस करने की नीड ना हो ठीक है ज़रूरत ना पड़े इतनी प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ इस एक घंटे में हम इसे बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर लेंगे मतलब कि जब सब लोग कहीं ना कहीं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे हम दस से ग्यारह यहाँ पर पढ़ रहे होंगे ओके और मज़े में पढ़ेंगे इसे मज़ेदार सेशन बनाने की जिम्मेदारी आपकी है ओके रोनित, श्रुति मोहित इरविन और यहाँ पे हमारी समीक्षा है और आप तेजी के साथ आंसर आने शुरू हो गए हैं तो चलिए फिर आते हैं हम भी अपनी स्क्रीन पे ठीक है अब देखो यहाँ पे जितने लोगों के आंसर आए हैं अभी भी उनका परसेंटेज कम है मैं चाहती हूँ अगर यहाँ पे 700 से ज़्यादा बच्चा है तो सात सौ ही बच्चों के आंसर यहाँ पर होने चाहिए स्क्रीन पर ठीक है और बहुत जल्दी सेकेंड्स में सेकेंड्स में चलिए तीसरे आर तक जाना है सबसे पहला काम होगा कंक्लूजन पे जाना और फिर हम स्टेटमेंट से वेरीफाई करेंगे इज दिस राइट और रॉन्ग

क्यों से एस तक जाना है तो क्यों कहां है बेटा क्यों यहां है एस कहां है एस यहां है इसे थोड़ा और क्लियर कर देते हैं वेट क्यू से एस तक जाना है क्यू यहाँ है एस यहाँ है ठीक अब क्यू से एस तक जाते समय ये इधर देख रहा है और ये भी इधर देख रहा है ऑल आर इन सेम डायरेक्शन सभी एक दिशा में देख रहे हैं रिलेशन बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा होगा जो अकेला होगा मतलब ये मतलब क्यू बड़ा हो जाएगा एस से क्या यही दे रखा है बिल्कुल यही दे रखा है बिल्कुल सही एस से पी तक जाना है एस ये यहाँ पे और पी है यहाँ पे एस कहा देख रहा है ये इधर ये वाला साइन देख रहा है इधर ये भी इधर लेकिन फिर इसने क्या की पलटी मारी जैसे ही पलटी मारी रिश्ता तोड़ा तो ये क्या हो जाएगा कौन सा सही है हमारा हो जाएगा एफ ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो बस तीसरा फॉलो करेगा ठीक तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली थर्ड इज ट्रू इज द करेक्ट आंसर आया समझ चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं ये लीजिए ये है आपका दूसरा क्वेश्चन जल्दी से करेंगे इसे भी तेजी के साथ अब इस क्वेश्चन में एक लेवल हमने इंक्रीज किया है यहां पे क्या हुआ अभी तक हमें एक स्टेटमेंट मिल रहा था यहां पे हमने आपको दिए हैं दो स्टेटमेंट इन्हें क्या कहते हैं कॉमा वाली इन आप अपने शब्दों में कह सकते हैं और इसे कहेंगे क्या हम मोर देन वन स्टेटमेंट वाली इनक्वालिटीज ओके जल्दी से करेंगे ठीक है हार्दिक आपका हम मैसेज देख लेंगे अभी देखा नहीं होगा और तो जाहिद ने आंसर कर दिया है अजिंत क्या ने कर दिया है और अनिकेत इरविन मोहित ओके सभी के आंसर आने शुरू हो गए हैं यहाँ पे शैली मधु और ज्योति वैभव हमारे सभी स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिए हैं ठीक है मेरे को और तीजी के साथ और लोगों के भी आंसर चाहिए क्योंकि आ, मैंने अभी अभी बताया था कि यहाँ पे 700 से ऊपर लोग हैं तो उतने ही आंसर यहाँ पे भी होने चाहिए चैटिंग में ओके तो चलते हैं जल्दी से स्क्रीन की ओर यहां पे हमने देखा कि क्या है यहां पे हमारे पास है दो स्टेटमेंट दो कथन ठीक हमें क्या करना है सी से डी तक जाना है सी से डी तक अरे डायरेक्ट बता रखा है भाई इसी या तो बड़ा या बराबर डी के क्या यही दे रखा है हाँ सेम दे रखा है तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही एक बात हमेशा याद रखनी है इनक्वालिटीज़ में अगर कंक्लूजन को किसी भी स्टेटमेंट का कॉपी पेस्ट करके लिख दिया जाए मतलब कि यहाँ से डायरेक्ट सेम वैसे का वैसे यहाँ पे उतार दिया जाए तो वो इनक्वालिटीज़ में सही होता है ठीक आगे आ जाइए ऐसे आज एस तक जाना है ए कहाँ है ए यहाँ है h कहाँ है h तो दूसरे स्टेटमेंट में कैसे जाएंगे अब इसके लिए हम क्या करते हैं कॉमन स्टेशन ढूंढते हैं दोनों ही स्टेटमेंट में a यहाँ है h यहाँ है जाने के लिए हम दोनों ही स्टेटमेंट में कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे कॉमन एलिमेंट में हम देखा कि d यहाँ भी है और d यहाँ भी है ठीक और एक और बात अगर हम देखें थोड़ा और ध्यान से अगर देखेंगे तो हमने यह भी देखा कि भाई d तो बराबर है h के ठीक तो इस D को H बोल लो D बोल लो बात एक ही है अब बताओ A से H का रिश्ता बता सकते हो हाँ नॉर्मल बेसिक चलो A से H तक गए ठीक दूसरी चीज A से H के बीच में साइन देखेंगे ये इधर देख रहा है ये भी इधर देख रहा है रिलेशन बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा तो भाई जो अकेला है वो ही पावरफुल है मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री तो आ, आंसर आपका हो जाएगा ए बड़ा हो जाएगा एच से यही दे रखा है बिल्कुल सही अब बी से जी तक जाना है बी से जी तक जाइए जी बी कहा है बी आपका इस वाली स्टेटमेंट में है जी कहा है जी आपका इस वाली स्टेटमेंट में है कॉमन स्टेशन ढूंढेंगे गाड़ी पकड़ेंगे बी से और हमें जी तक पहुंचना है हम बोलेंगे फिर क्या चीज कि भाई डी यहां भी है और D यहां भी है तो क्या करेंगे पहले बी से डी तक ट्रेन पकड़ के यहाँ इस स्टेशन पे जाएंगे और फिर इस डी स्टेशन से अपने घर जी पहुँच जाएंगे जब मैं यहाँ से यहाँ तक गई तो मैंने क्या देखा कि ये इधर देख रहा है और इस पब्लिक को इग्नोर करते हैं हमेशा तो यहाँ पे ये यह इधर देख रहा है मतलब अभी यहाँ तक तो रिश्ता बन जाएगा एक ही साइन है एक ही दिशा में देख रहा है आगे चले डी से पहुंच के जब डी से जी तक जाएंगे तो हमने क्या देखा फिर पब्लिक इसे इग्नोर करो फिर हमें बड़ा साइन मिला अब देखो एक तो होता है कि इसे हम एक स्टेटमेंट में लिख के करें तो वो क्या होगा हमारी बेवकूफ़ी होगी हम एग्जाम में उसे वैसे नहीं करेंगे अगर मैं इसे एक स्टेटमेंट में लिख दूंगी तो मैं इसे ऐसे करूंगी बी इज़ इक्वल टू सी बड़ा बराबर डी और फिर ये डी पे पहुंचूंगी बराबर एच लिखूंगी फिर एच बड़ा इक्वल एच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जी आ जाएगा ऐसी कुछ आएगा फिर हम बोलेंगे अच्छा ठीक है आप करते हैं बी से जी तक जाते हैं फिर गए बी से जी तक फिर हम देखेंगे हाँ सभी एक ही दिशा में देख रहे हैं रिलेशन बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा तो भाई पब्लिक है सीएम e. है पब्लिक है सीएम है सीएम को एंट्री दो और ये हो जाएगा आपका बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी ये हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा यही दे रखा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्या हम एग्जाम में ऐसे करेंगे नहीं बिल्कुल नहीं हम एग्जाम में इसे ऐसे करेंगे ही नहीं हम कैसे करेंगे भाई एग्जाम में ये देखिए अब वट विल वी डू हम करेंगे क्या याद रखना जो बात जो ये कॉन्सेप्ट अभी बता रही हूं मैं ये या हमेशा याद रखना बहुत बहुत काम आने वाला है आने वाले एग्जाम्स में क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अगर कोई मेंस लेवल के क्वेश्चन आप पेपर देंगे तो उसमें भी आपको वो मोर देन वन स्टेटमेंट ही देगा आइए इधर जब हम बी से जी तक जाएंगे तो बी यहाँ है जी यहाँ है दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे तो डी यहां और डी यहां पहले बी से डी तक गए तो हमने अभी देखा था ये पब्लिक है और ये इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है या फिर हम बोल सकते हैं बड़ा साइन है अभी कॉमन यहाँ पे ठीक है बड़ा साइन मिल रहा है अब इस डी से जी तक पहुंचेंगे पब्लिक को इग्नोर करो और यहाँ पे फिर हमें यहाँ से अगर देखेंगे चलते चलते तो हमें फिर बड़ा साइन मिला कॉमन कॉमन क्या मिला हमें बड़ा साइन मिलता जा रहा है मतलब यहाँ पे क्या होगा रिश्ता बन जाएगा ठीक एक ही साइन कॉमन मिल रहा है तो क्या हो जाएगा रिश्ता बन जाएगा पावरफुल साइन कौन सा तो जो अकेला है बट तो अकेला साइन तो कोई है ही नहीं यहाँ पे मतलब पीएम है ही नहीं कौन है बस सीएम दे रखे हैं तो वो ही आ जाएंगे मतलब बी बड़ा बराबर लास्ट में कौन है जी यही दे रखा है बिल्कुल सही है तो हम कैसे करेंगे इसे ऐसे करेंगे और एग्जाम में क्या होगा हाँ हाँ फर्स्ट इज ऑल्सो राइट फर्स्ट हमने राइट right ही किया था बाद में ऐसे रॉन्ग कर दिया रीस्टेटमेंट राइट थी ठीक है हम्म चलिए अब अब फोर्थ वाला देखते हैं फोर्थ वाला देखते हैं ठीक है ये मैं रफ इसलिए कर रही हूं कि आप कंफ्यूज ना हो जाए सी से वी तक जाना है अब क्या होगा सी से वी तक कैसे जाए फिर से वो कॉमन चीज़ ढूंढेंगे भाई सी इधर है वी इधर है डी इधर है और डी इधर भी है तो सी से डी तक जाइए और फिर इस डी से वी तक पहुंच जाइए यही करेंगे अब एक बात और याद रखना वो जो आप करते हो ना कि भाई सीधे जा रहे हैं तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा जैसे ही उल्टा चलना शुरू कर देगा हम तो रिवर्स करते जाएंगे साइन के ना जी ना इतना टाइम नहीं है वहां पर रिवर्स करने का साइन को तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे हम बोलेंगे कि जब सी से डी तक गया तो हमें क्या मिला बड़ा साइन मिला फिर डी पे पहुंच जाओ जब डी से इधर को जा रहा है फिर हमें बड़ा साइन मिला और फिर क्या करा साइन ने मार दी पलटी मतलब फिर हमें बड़े के बाद छोटा साइन मिल गया बड़ा बड़ा लाइन में चल रहा था और फिर छोटा साइन आ गया जैसे ही साइन पलटा जैसे ही हमें कुछ ऐसा मिला या फिर ऐसा मिला ये हो गया नो रिलेशन का केस मतलब रिश्ता नहीं बनाया जा सकता ये हो जाएगा गलत ठीक है ओके okay, चलिए फिर तो हमारा आंसर क्या आएगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही सही है मतलब ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओके सो थैंक यू एवरी वन फॉर शेयरिंग द सेशन सेशन को शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और सात सौ पार करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी से एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि हमें हजार भी पार करना है तो उसके लिए आप ही अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे इस वीडियो को दिल से लाइक करेंगे ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट अब आप बोलेंगे ये मैम के क्वेश्चन तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं जी हाँ अभी हम आपको इस कंक्लूजन में दो से मैं चार कंक्लूजन अभी आपको सिखा रही हूं ये सब क्यों सिखा रही हूं कि अभी आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए धीरे धीरे हम इसके हर टाइप के क्वेश्चन करने लगेंगे ठीक है चलिए फिर यस दीपक दीपक यस विकास जी ये फाउंडेशन है यहाँ पे हम बेसिक टू हाई जाएंगे और अभी हमारा डे वन है फॉर इन ठीक है चलिए आइए क्वेश्चन पे यहाँ पे भी वी हाँ, हैव हमारे पास दो स्टेटमेंट है चलिए देखें कैसे होगा एफ से ई तक जाना है एफ है बेटा एफ है यहाँ पे ई e कहा है ई e है आपका यहाँ पे एफ से ई तक कैसे जाओ क्या ढूंढूंगा कॉमन स्टेशन ढूंढूंगा दोनों में जब मैंने एफ इस वाले स्टेटमेंट और इस वाले स्टेटमेंट में कॉमन स्टेशन ढूंढा तो मैंने देखा अच्छा एन इधर और एन इधर है, निधार है. ये जो मैं बता रही हूँ मैं ये बता रही हूँ कि आप क्वेश्चन को देख के कैसे कर सकते हैं वो देखा जाएगा तो एफ से जब एन तक गए तो हमें क्या मिला बड़ा साइन मिला ठीक है अब साइन देखेंगे पहला क्या देखते हैं कहाँ से कहाँ तक जाना है दूसरा क्या देखते हैं कि भाई जो लाइन में साइन आ रहे हैं क्या वो सभी एक दिशा में जा रहे हैं या फिर क्या सभी में एक कॉमन एलिमेंट है तो आगे देखते हैं पहले हम एफ से एन तक जाएंगे और फिर एन से इस ई e तक पहुंच जाएंगे ठीक एफ से एन तक जब गए तो हमें बड़ा साइन मिला फिर पहुंच जाइए इस एन पे, एन से जब ई e की तरफ जा रहे हैं जा रहे हैं पब्लिक को करते हैं इग्नोर तो हमें क्या मिला छोटा साइन मिला जैसे ही बड़े के बाद हमें छोटा साइन मिला हम क्या बोलेंगे ये रिश्ता नहीं बन सकता मतलब ये हो जाएगा गलत ठीक याद रखना जैसे ही साइन चेंज कर हो जाता है तो क्या हो जाता है वो गलत हो जाता है बीच में अगर एक ही डायरेक्शन में साइन नहीं आ रहा या कॉमन कॉमन साइन नहीं मिल पा रहा है किसी साइन ने पलटी मार दी तो वो गलत हो जाएगा ई e से एम तक जाना है ई e है यहां एम है यहां अब एक बहुत ध्यान से देखना बात यहां पे हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि एम बराबर है एन के तो इस एन को एम बोल लो एन बोल लो बात यह की है जब ई e से मैं इस एम तक गई तो मैंने क्या देखा ये पब्लिक है ये पब्लिक है और बीच में सीएम बैठे हैं तो वह सीएम आ जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ई ग्रेटर देन और इक्वल टू एम यही दे रखा है, ये हो जाएगा बिल्कुल सही सी बड़ा या बराबर जी तो सी से जी तक जाएंगे सी यहां है सी है आपका यहां और जी है आपका यहाँ तो कॉमन ढूंढेंगे दोनों में एन यहाँ है एन यहाँ है सी से पहले एन तक जाएंगे और फिर इस एन से जी तक चले जाएंगे ठीक है सी से जब एन तक गए तो हमें क्या मिला लाइन में सभी साइन एक ही दिशा में या फिर एक कॉमन साइन मिल रहा है ग्रेटर ग्रेटर ठीक उसके बाद जब n से जीता गए तो हमें क्या मिला पहले हमें मिल रहा था बड़ा 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 साइन फिर हम इस n पे पहुंचे अब यहाँ से चलो तो यहाँ से हमें क्या मिला छोटा साइन जैसे ही हमें छोटा साइन मिला साइन ने पलटी मारी मतलब ये हो गया गलत ठीक है उसी टाइम ये हो जाएगा गलत हाँ, तो टारगेट 2022 बैंक जॉब्स ने आंसर दिया है वी क्यों दिया है आंसर ठीक है हम चलिए फिर सी से एच तक जाना है अब सी से एच तक कैसे जाया जाए सेकेंड सही था ये गलत था और ये भी गलत था सी से एच तक जाया जाए तो सी से एच तक कैसे जाए सी यहां है एच यहां है अब हम यहाँ पे देखेंगे देखो ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है तो थोड़ा दिमाग हमें लगाना होगा सी से हमें एच तक जाने के लिए क्या करना होगा हम बोलेंगे अच्छा सी से हमें एच तक जाने के लिए कॉमन स्टेशन ढूंढना होगा तो यहाँ पे एन कॉमन है और एन यहाँ पे कॉमन है दोनों में दोनों स्टेटमेंट में जोड़ेगी ए इस ए दोनों स्टेटमेंट को ठीक है तो सी से एन तक जाएंगे और एन से एच तक पहुंच जाएंगे या फिर हम डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं कि भाई एन तो बराबर है एच के तो इस एन को एच बोल लो एन बोल लो बात एक ही है बराबर है ना ठीक तो क्या हो जाएगा जब सी से एन तक गए तो ये क्या इधर देख रहा है ये इधर देख रहा है और ये पब्लिक है इसे हम नहीं इसका हम इसे इग्नोर करते हैं दो सभी एक ही डायरेक्शन में देख रहे रिलेशन बन जाएगा पावरफुल साइन है आपका जो अकेला है मतलब ये मतलब कि सी बड़ा हो जाएगा एन से एच से सॉरी एन बोल लो एच बोल लो बात एक ही की है सी बड़ा हो जाएगा एच से सी बड़ा हो जाएगा एच से ये हो गया बिल्कुल सही तो क्या हो जाएगा आपका सेकेंड और फोर्थ हो जाएंगे बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से ये लीजिए तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमें यहाँ पे क्या हुआ हमने देखे यहाँ पे थ्री स्टेटमेंट्स यहां पे आ रहे हैं आपके अब थ्री स्टेटमेंट्स जल्दी से करेंगे ओके थैंक यू

फिर इस आर से इस आई पे पहुंच जाओ पहुंच गए जब के से आ, आर तक गए तो आपको छोटा साइन मिला आर से आई तक गए तो आपको बड़ा साइन मिला छोटे के बाद बड़ा साइन मिला मतलब क्या हो गया साइन ने पलटी मार दी या फिर कॉमन साइन नहीं रहा जैसे ही पलटा वैसे ही ये हो जाएगा रिश्ता नहीं बताया जा सकता इसलिए हम इसे कर देंगे गलत ठीक दूसरा देखिए आगे देखते हैं आई से जेड तक जाना है ठीक है आई से जेड तक जाना है फिर से आ जाते हैं आय पे। एक बात और थोड़ा और अभी ध्यान और देंगे थोड़ा इस पे। कैसे आय तक जाना था हमें एक बात और पता है मतलब थोड़ा इधर भी नज़र कर लेंगे थोड़ा हम अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए बोल रही हूँ जब हम कैसे आए तक गए तो कैसे आर तक गए आर से आय तक चले गए ठीक मतलब हमें मिला छोटा साइन और फिर हमें आर से आए गए तो बड़ा साइन मिला रिश्ता नहीं बन पाया हमने देखा एन के बराबर है तो इधर भी भी एक बार मैं देख लूं कि भाई ये एन भी हो सकता है अब बताइए यहाँ पे के और ये वाले स्टेटमेंट और इस वाले स्टेटमेंट में कुछ सेम है नहीं है तो बच गए चलो ठीक है अगर वहां पे कुछ सेम होता तो हमें वहां से भी एक बार रिश्ता देख लेना होता ठीक चलो तो ये हो गया गलत I से जेड तक जाना है अब I से जेड तक कैसे जाए I यहाँ पे है और Z है आपका यहाँ पे हम बोलेंगे I बराबर है N के तो इस N को I भी बोल सकते हैं ठीक अब आप इस N से या फिर इस I से जेड तक आराम से जा सकते हैं ये छोटा साइन चल रहा है लाइन में मतलब रिलेशन बन जाएगा पावरफुल साइन है ये तो आपका हो जाएगा एन छोटा जेड ये ही दे रखा है या फिर बोलो, एन को आई बोल लो एन बोल लो बात एक ही की है तो आई छोटा Z इज एब्सोल्यूटली करेक्ट मीन ओनली सेकेंड कंक्लूजन इज ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये है आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमने थ्री स्टेटमेंट दे रखे हैं तो जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को भी पहला कह रही है मैम सेशन कब तक चलेगा तो ये अभी बस 11 बजे तक चलेगा उसके बाद आपको सिद्धार्थ सर मैथ्स बताएंगे ठीक है हाँ मुकुल कह रहे हैं ये अच्छा था क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन तो अभी आपको और अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं बहुत ठीक है तो हर एक टाइप मतलब ये है फाउंडेशन देखिए यहाँ पे हर एक आपका पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उसके बाद इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली जाएगी कि ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे कोई भी कितना भी तरो मरोड़ के क्वेश्चन दे दिया जाए ट्विस्टेड क्वेश्चन दे दिया जाए फिर भी हम वहाँ पर कर जाएंगे हाँ ठीक है वेरी गुड आप तेजी के साथ आंसर आ रहे हैं चलिए देखते हैं क्या होगा तो यहाँ पे जी से सी तक जाना है तो जी से सी तक जाते हैं जी कहां है जी यहां है सी कहां है सी यहाँ है दोनों में हम देखेंगे कॉमन स्टेशन कोई है क्या कोई कॉमन एलिमेंट कॉमन एलिमेंट में देखा हमने एफ और डी तो यहाँ पे हाँ डी है डी है दोनों ही स्टेटमेंट में तो जी से सी तक जाने के लिए हम क्या करेंगे पहले जी से डी तक जाएंगे फिर डी से सी तक चले जाएंगे जी से डी के बीच में ये हमें क्या साइन मिला यहाँ से चल रहे हैं तो छोटा साइन मिला फिर इस डी से जब सी तक गए तो हमें फिर छोटा साइन मिला अभी तक रिलेशन बनता जा रहा है बट जैसे ही यहाँ पे गए साइन ने पलटी मार दी मतलब बड़ा साइन मिल गया तो वहाँ पर आप क्या करेंगे बढ़ाएंगे मतलब तो पहले बोलेंगे छोटा 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 और फिर एकदम बड़ा तो जैसे ही आपको समझ में आएगा अच्छा बड़ा आ गया काट दो उसे उसी टाइम जाके ठीक तो ये अभी कट गया जैसे ही साइन ने पलटी मारी एच इक्वल टू ए अब एक बात याद रखना जब लाइन में पूरी जगह सभी जगह आपको इक्वल 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 मतलब पब्लिक जब पूरी तरीके से लाइन में खड़ी हो जाएगी तभी आप उस कंक्लूजन को सही करेंगे एच बराबर ए मतलब कि एच और ए के बीच में सभी साइन बस इक्वल होने चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए तो एच कहा है एच है आपका यहाँ ए कहा है ए है यहां तो हमने देखा अगर मैं H से पहले C पे जाऊँ और फिर C से A तक जाऊँ तो H बड़ा है C से और फिर C पे C से A तक गए तो C छोटा है A से यहाँ पे तो रिश्ता ही नहीं बता सकते तो ये हो जाएगा गलत या हम डायरेक्ट देख के भी बता सकते थे आगे चलते हैं ठीक है तो यहाँ पे हुआ आपका ये था आपका लास्ट क्वेश्चन एक बात हमेशा याद रखिएगा जो हमने आइदर और केसेस पढ़े हैं उसके अंदर कुछ कंडीशन होती है वो अब बताई जाएगी नेक्स्ट क्लास में सेकेंड चीज़ आपको एक और बता दो जैसे अभी मैंने आपको ये एच इक्वल टू ए मतलब कि इक्वल कब आता है जब बीच में बराबर बराबर के साइन ही होते हैं एक और बात अगर आपको कंक्यूजन में आपके निष्कर्ष में ए बड़ा बी मिल रहा है और आपको ऊपर स्टेटमेंट में आपको ऊपर अपने कथन में डायरेक्ट दिखता है ए छोटा और बराबर सी और सी से हम ये पहुंच रहे हैं बी तक ठीक ऐसा कुछ मतलब क्या हुआ जैसे आपने बोला ए बड़ा चाहिए बी से और जैसे ही आप यहाँ पे गए ए से बी तक जाने के लिए आपने देखा सबसे पहला साइन ही छोटा आ गया ऑपोजिट साइन जैसे ही मिला आप उसी टाइम नीचे आके इसे कैंसिल कर देंगे बिकॉज़ ये हो जाएगा नो रिलेशन का केस मतलब हम ये गलत हो जाएगा ठीक है क्योंकि ये उल्टा बिल्कुल उसका उल्टा दिया हुआ है ठीक नेक्स्ट डेली बेसिस पे यहाँ पे हम बना रहे हैं अपनी नीव फाउंडेशन और उसके बाद अगर आपको आरआरबी की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको जुड़ना ही है कब दोपहर एक से तीन बजे एक से दो आपको सिद्धार्थ सर मैथ्स कराएंगे और दो से तीन मैं आपकी सोना मैम आपको रीजनिंग कराएंगे वहाँ पे हम करेंगे डेली बेसिस पे आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स की प्रैक्टिस तो आप वहाँ पे आएंगे अपना प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की अलग अलग टाइप्स के पजल सिटिंग और सभी मिसलेनियस चैप्टर्स वहाँ पे हम रोज डेली बेसिस पे अपना प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे हम आपकी फाउंडेशन बनाने वाले हैं तो यहाँ पर हम करेंगे अपना फाउंडेशन बेसिक क्लियर करेंगे जिससे कि हम प्री के बाद मीन्स के भी लायक बन जाए मीन्स भी निकाल ले आगे देखिए यहाँ पे आरआरबी की एक बैच भी स्टार्ट होने वाली है अगर आपको इसमें एनरोल कराना है और लगता है कि एक डेडिकेटेड बैच में आपको एनरोलमेंट कर लेना चाहिए क्योंकि तीन महीने बाद आपका एग्जाम है तो आप इसमें एनरोल करा सकते हैं यूज करेंगे कोड वाई का तो आपको सेवेंटी का डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर ओके आगे देखिएगा अब ये है आरआरबी का ई का प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है और आरबीआई का भी चल रहा है ग्रेड बी का प्रैक्टिस बैच आप उसमें भी एनरोल करा सकते हैं वाई चार सौ चालीस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सेवेंटी एट परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये सभी कोर्स अलग अलग कोर्सेज़ के अ, अलावा अगर मैं बोलूँ तो ये सभी कोर्स अगर आप अलग अलग लेंगे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है इसलिए मैं रिकमेंड ये करती हूँ कि आप बैंक महापैक लीजिए जहाँ पे आपको क्या होगा एडर ट्वेंटी फोर्सेंट का हर एक पेड कोर्स मिल जाएगा मतलब कि एडर ट्वेंटी फोर्सेंट की हर एक फैकल्टी आपको डेली बेसिस पे मिला करेगी वहाँ पे आप उनसे अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं कॉन्टेंट भी आपको मिलेगा डेली बेसिस पे ठीक है और साथ ही यहाँ पर आपको मिलती है बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ चार हज़ार से ऊपर टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है ई बुक्स मिलती है बायलिंगल रहता है इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेंगे आपको और हाँ शिखा ये सभी बैंक एग्जाम्स और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए ये फाउंडेशन बैच बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी ठीक हाँ तो ये हो गया आपका बैंक महापैक यहाँ पे Uh, ये सभी बैचेस मिल जाएगी और जो मैंने और बहुत सारी बोली है यहाँ पे आपको हर एक इंग्लिश का फाउंडेशन हो चाहे वो एस बी आई क्लर्क की पेड बैच हो एस बी आई पी हो आई बी पी एस बी हो आई बी पी एस क्लर्क सारे तमाम जो आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी किया यहाँ पे आपको पे पे पेड कोर्स मिल जाएगा साथ में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी और हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है uh, यहाँ पे बैंक महापैक प्लस जो है यहाँ पे ये बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम्स तो है इसमें मतलब कि उसके पेड को साथ ही साथ इसमें आपको आर ग्रेड भी और स्पेशलिस्ट ऑफिसर जैसे मतलब कि रेगुलेटरी बॉडीज वाले एग्जाम भी इसमें आपको मिल जाएंगे यहाँ पर भी आपको सभी टेस्ट सीरीज़ और छः से ऊपर टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और सभी चीज़ यहाँ पर आपको मिलती मिल जाएगी बस कोड यूज़ करेंगे आप वाई 440, तो आपको सेवेंटी का डिस्काउंट मिल जाएगा मतलब कि वाई 440, जब आप लगाएंगे तो 440 वोल्ट का झटका लगेगा आपको और एक 78 परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा नेक्स्ट uh, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और आर ट्वेंटी सेवन की ऐप अगर आपके फोन में नहीं है तो इसे भी डाउनलोड कर लेंगे पी डी एफ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा एंड थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग मी दिनेश रमन पूनम पूनम हमें जब भी चाहे वो दोपहर में क्लास हो कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा वहाँ पे आ जाते हैं मतलब हम रात के दो या तीन बजे भी अगर क्लास ले रहे होंगे तो ये स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो वहाँ पे आ जाएंगे अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे श्रेया है पूनम है और बहुत सारे हैं हर्ष हैं तो असलम अजय सभी आ, ठीक है आज फिर अजय कह रहे हैं थैंक्स मैम आई डिड इट ऑल करेक्ट ठीक है कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा सेशन क्या आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए क्या आपको लगा कुछ अलग तरीके से बताया गया और भर भर के वहाँ पे अपने वर्ड्स व्यक्त मतलब कि की व्यक्त कीजिएगा जो आपको लगे कॉमेंट uh, सेक्शन में सभी अपना uh, ज़रूर uh, अपने जो भी आप सोच रहे हैं वो ज़रूर लिखिएगा और थैंक यू एवरी फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर शेयरिंग द सेशन इस सेशन को अच्छा मज़ेदार बनाने के लिए आप सभी का हाथ होता है तो इस को शेयर करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद अभी आपको डायरेक्ट अभी भी सोना नहीं है और एक और बात भाई सोना मैम की क्लास में एक्चुअली क्या होता है जगना होता है सिद्धार्थ सर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा ही था जब रूपा मैम की क्लास चल रही थी तो अब आपको जग तो गए हैं अब आपको कंटिन्यू करना है डायरेक्ट सिद्धार्थ सर की क्लास में मैथ्स की क्लास में ठीक है और फिर कल मिलते हैं दोपहर दो बजे आरआरबी की क्लासेस में और रात दस बजे इसी फाउंडेशन बैचेस में mm. और हमारे सर आ चुके हैं Uh, बिल्कुल मैम आपने तो बहुत ताबड़तोड़ परफॉर्म किया है अब बारी है मेरी और बहुत कुछ शानदार मैं करने वाला हूँ आज बिकॉज रैपिड फायर होने वाली धक 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 आप सवाल सवाल बनाने वाले हैं बहुत मजा आने वाला है बिकॉज आपका एक बेसिक सा जो ट्रिक्स होता है ना मतलब कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें वो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ठीक इसके बाद तो फटाफट से जुड़िए मेरी क्लास uh, में मैम की क्लास के बाद थैंक यू सो मच मैम लिटरली सर मतलब मैम के लिए एक बार लाइक तो करना बनता है और जो साथ में हैं हमारे साथ में आप सर बैठे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए पूरी टीम कहीं कही ना कहीं लगी हुई है तो अकेले हम कैमरे के सामने हैं इसका मतलब हम मेहनत नहीं कर रहे हैं हमारे साथ में हमारे जो पी सी आर हेड हैं वो भी कहीं कही ना कहीं यहाँ पर लगातार लगे रहते हैं बारह बजे तकते तो यार उनके लिए एक बार लाइक तो करना बनता है फटाफट फ़ड़ से यहाँ पर कहीं कही ना कहीं इस तो लाइक को वन प्लस कर दें बिकॉज मेहनत काफ़ी है लिटरली बता रहा हूँ मैं तो रुका हूँ ग्यारह बजे से बारह मेरी क्लास होगी तो मेरे साथ में सर बैठे रहेंगे सब है मतलब पूरा स्टाफ कहीं ना कहीं पूरे जोश के साथ में यहाँ पे है एक त्यौहार की तरह हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं रात की क्लासेस को तो बस एक बार लाइक कीजिएगा सब लोग मैम के एफर्ट्स को मतलब सैल्यूट है इसके बाद आइए ग्यारह बजे मेरी क्लास होगी और एक अलग लेवल पे खेलते हैं मैथ्स में मैम थैंक यू सर सो गुड नाइट टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स